और अभी मुझे मिल गया था विवेक, वो चला गया बाग के अंदर वहाँ पे। वो देखिए उस साइड, मुझसे बोला तुम भी चलो, मैं बोला नहीं भाई बारिश होने वाली है मैं जा नहीं सकता हूँ, इस वजह से मैं आ गया इधर। और देखिए बूंदाबांद भी जैसे ही हो गया वैसे ही शुरू हो गए। ये कहीं मुझे इस बारे में खबर मिल गई थी और इस वजह से मैं गया नहीं। और दोस्तों यहाँ पे हो चली है ज़ोरदार बारिश शुरू, एंड दैट वाज रियली अ वेरी नाइस डिसीजन, क्लेवर डिसीजन था हमारा कि हम लोग नहीं गए हैं वहाँ। ये है हमारे चीकू दादा जो कि पी रहे हैं पानी, फिर से पियो, स्टाइल देखिए। चीकू फर्स्ट ब्लॉग, पानी पीने वाला फर्स्ट ब्लॉग। हाँ क्या है ये, क्या यहाँ इधर करूँ? अच्छा देखोगे, खुद को देखना चाहता है, दिखेगा नहीं इसमें मेरा चेहरा दिखेगा, ये दिखेगा नहीं कौन है चीकू। हमारे चीकू का हो गया है लंच टाइम, खत्म करो जल्दी जल्दी, पूरा फिनिश करना है, जल्द से जल्द फिनिश करने का है बाबू, कम ऑन। क्या क्या ये खुद को देखना, ये मतलब स्क्रीन में देखना चाहता है, इसको नहीं पता है कि रिकॉर्ड होगा तो दिखूंगा नहीं। अभी देखिए दिख रहा है, अरे नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है, तो फ्रंट कैमरा थोड़ी चल रहा है, पहले फ्रंट कैमरे से शूट करता था तो ये देखता था अपने आप को ब्लॉक करते वक्त। ये कह रहा है मुझे फिर से दिखाओ, अभी फ्रंट कैमरे से दोबारा शूट करूंगा फिर ये दिखेगा, तब इसको फिर से अच्छा लगने लगेगा। और पहले खूब अच्छी तरीके से देखता, छोटा था। आस्था स्कूल से आ चुकी है, हाय गाइस, दूध पी लो, बोलो हाय गाइस दूध पी लो। अरे बंद करके कहाँ पी रहे हो, खोल जल्दी, फिनिश इट जल्दी जल्दी से खोलो इसको, अभी देखिए इसको। हाँ फुल मस्ती मोड में है, हट ऐसे पियो, ऐसे ऐसे पियो, पियो ऐसे, ऐसे पीक दिखाओ पहले, पियो ऐसे, पियो ऐसे, नहीं पीने का ऐसे पियो पूरा, इसको हटा करके पियो ना, हटा पियो, हटाओ इसको, इसको हटाओ, पियो पियो। और रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आप देख सकते हैं सुबह सुबह मैं रेडी होकर के चल रहा हूँ पट्टी, धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मैं जाने वाला हूँ अभी विवेक के साथ, तो बाइक उसके घर पे ही है, ले लिया है हमने सैंडल एक आने के लिए, और ये है अपनी बाइक, चलिए निकाल चलाते हैं, आप खड़ी रहो ये चल रहे। ये देखिए कैसे खेल रहा है चीकू, खेल रहा है बैट बॉल, बैट नहीं उठ रहा है इससे, क्या है ये बैट, लाओ उठा के लाओ, इधर लाओ उठाओ। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कई दिनों से ही कहा था कि हम एक वीडियो बनाने वाले हैं अपने पीसी के बारे में, सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो फाइनली वो दिन आ गया है। चलिए टर्न ऑन करते हैं अपने पीसी को, तो लेट्स टर्न इट ऑन, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो ये है हमारे पीसी का सीपीयू कैबिनेट, और इसको जैसे ही मैं करता हूँ ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैंस मेरे वो चलने लगे हैं डिग 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 करते हुए। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको मैंने परचेज क्यों किया है और कहाँ से परचेज किया है। तो देखिए ये जो आपका पीसी है, मुझे एक ऐसा पीसी चाहिए था जिसमें मैं गेमिंग भी कर पाऊँ और उसी के साथ साथ मेरी एडिटिंग वाला भी काम यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास कितने गेम्स हैं, अभी एक लिम्बो है, एक अल्टीमेट एपिक बैटल सिमुलेटर है, एक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 है, और GTA 5 जिसको कहते हैं आप, लेफ्ट 4 डेड 2 है, और स्टोरेज की अभी इसमें कमी है जिसकी वजह से इतना ही हमारे पास है, और बाकी और धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे, काफ़ी फ्री वाले भी हमने ऐड कर लिए हैं। और ब्लू स्टार देखिए यहाँ पे डाउनलोड किया है जो कि एंड्रॉइड वाले ऐप्स को भी चलाता है, तो एक्सट्रीम बैलेंस 3 भी है, छोटा सा एक गेम है, खेलने में काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आता है हमें। अब अगर मैं बात करता हूँ मैंने इसको कहाँ से परचेज़ किया है, तो देखिए ये दिल्ली से आया हुआ है, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ तो गाँव में तो यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं मेरे आस पास, PBS में प्रतापगढ़ में भी नहीं मिलता है, तो इसको मैंने दिल्ली से मंगाया हुआ है, शिप होके मेरे पास यहाँ पर आया है,
और दिल्ली में कई सारी शॉप्स हैं, कई सारे लोग हैं जहाँ से आप ट्रस्ट हो, जो आपका आसपास का कोई भी रहता हो उससे बात करेंगे तो वो आपको बता देगा, या फिर आप ऑनलाइन जाकर भी पता कर सकते हैं। कई सारे मतलब चैनल्स हैं यूट्यूब पर भी, और आपको जो कि पीसी बना के देते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। कोई भी जो भी अच्छा चैनल है, जेन्युइन चैनल है, वहाँ से आप परचेस कर पाएंगे बड़े ही आराम से। और अगर अब बात करता हूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो चलिए स्पेसिफिकेशंस की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है वो है ये सीपीयू इसका, जो कि चमचमाता हुआ आपको नज़र आएगा। और इस साइड है हमारा गीगाबाइट का मॉनिटर। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं मॉनिटर से। और मॉनिटर अगर आप देखेंगे तो ये है गीगाबाइट का मॉनिटर, जो कि G24F है, गेमिंग मॉनिटर है। यहाँ पे इसका मैंने बॉक्स भी रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए G24F। और उसी के साथ जो यहाँ पे कीबोर्ड है दोस्तों, वो जेब्रोनिक के कीबोर्ड हैं, देखिए जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर 1। और ये 1500 का सेट है, 12, 14, 1500 जैसे ऑफर्स रहते हैं वैसे मिलता है। इसमें माउस मिलता है आपको, ये मिलता है। एक माउस पैड हमने खरीदा हुआ है फ्लिपकार्ट से, जो कि 250-300 के आसपास है, ये 50-60 रुपये का मिल जाएगा आपको मार्केट में। दूसरा एक माउस पैड है हमारे पास। और उसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की, मेजर कंपोनेंट की, जो कि पावर देने के लिए हमने गेमिंग के लिए खरीदा हुआ है, एडिटिंग के लिए खरीदा हुआ है, वो है इसके अंदर वाली चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ हमारी आती है बिग डैडी, जो कि मदरबोर्ड होता है, और वो मदरबोर्ड जो है सबको ही संभाले रखा है। तो वो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं B660MDS3HAXDDR4 मदरबोर्ड। और इस मदरबोर्ड की खास बात क्या है दोस्तों, इस मदरबोर्ड की खास बात ये है कि इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वाईफाई 6, ब्लूटूथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सपोर्ट। और उसी के साथ यहाँ पे अगर आप कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो किसी एक्स्ट्रा डोंगल वगैरह की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर यहाँ पे देख सकते हैं i5 12th generation लगा हुआ है, 12400F LGA1700 सॉकेट के साथ जो आता है। तो ये है हमारा प्रोसेसर, यानी इसमें ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है। स्पेक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके डेस्कटॉप के ऊपर, तो पहले अभी मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ आपसे। ये जो इसका कैबिनेट है, यहाँ पे आप देखिए एंट ई स्पोर्ट्स का कैबिनेट है। कई सारे कैबिनेट ऑप्शंस थे पर ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, प्लस इसमें एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जाली मिल जाती है, ये जो मेश है, जो ये नेट है, इससे ये खुला रहता है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये ऐसे ओपन भी हो जाएगा। ये है 510 एयर, और इसकी कीमत अराउंड आपको देखने को मिल जाएगी क्लोज टू 4800 के आसपास, डिपेंड करता है, कभी 4500 ऐसा ही चलता है। उसी के साथ अगर मैं मदरबोर्ड पे आता हूँ, तो मदरबोर्ड आपका डिपेंड करता है 14000 का हो सकता है कभी कभी, तो आप जैसा कि चूज़ करें वैसे ही मतलब प्राइस के हिसाब से, ऑफर्स के हिसाब से डिपेंड करता है। एक आपको मैं एंड में बताऊँगा टोटल, जो कि मैंने आपसे बताया था कि डायरेक्टली नहीं बताऊँगा आपको, किसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये आपका चमक चमा रहा है, एक हाइपर 212, ये 2750 का मुझे मिला हुआ है, 3000 के आसपास आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 12th जनरेशन का नहीं था भाई, ये 11th जनरेशन का हमने गलती से मंगवा लिया था, और समस्या का हमें सामना करना पड़ा, जो कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा क्या समस्या थी हमें। और जब मैंने जहाँ से मंगाया था उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि आप कहीं पर सर्च करो, मैंने उनसे कहा कि भाई एक्सचेंज ही कर लो, क्योंकि आपके पास रहेगा तो सेल हो जाएगा, मेरे पास तो इसका कोई है ही नहीं उपाय। तो उन्होंने बिल्कुल एक्सचेंज करने से भी मना कर दिया, रिप्लेस करने से भी मना कर दिया, बट ये उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए मॉड एक्स के पास। तो ये चीज़ उनकी सर्विस मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी कि मॉड एक्स ने, ठीक है आपकी टर्म एंड कंडीशन है, चलिए देखिए गलती हो गई मुझसे, ठीक है उसमें आपका टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, बट अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं तो उसमें अगर प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई गलती से मंगा लेता है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट का ऑप्शन रहता ही है, एक्सचेंज का ऑप्शन रहता ही है, अगर उसमें रिफंड नहीं होता फिर भी। तो यहाँ पे अगर एक्सचेंज भी हो जाता मेरा, सिर्फ सॉकेट चेंज हो जाता तो भाई अच्छा हो जाता, लेकिन उन्होंने सिरे से एकदम खारिज कर दिया कि नहीं कुछ नहीं हो सकता इसमें, आप इसका सॉकेट ले लीजिए। सॉकेट की मैंने उनसे बात की 6-7-8 दिन उन्होंने फिर भाई उससे बात किया, मैंने मतलब कॉल करके 2-3 दिन बाद ऐसे ही 8-10 दिन तक मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तक नहीं मिला है। फिर मैंने ये तो कही है मेरी किस्मत अच्छी कि आज ये कार्ड पे मिल गया मुझे, बाकी उनका कितने दिन में होता वो वही जाने भाई। और उसी के साथ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूँ अपने ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार हमने लगवाया हुआ है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में 1080p गेमिंग के लिए आई थिंक इज़ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट, जो कि है गीगाबाइट का
RTX 3060 गीगाबाइट कंपनी का है। इट डिपेंड्स, MSI का लेते हैं, गीगाबाइट का लेते हैं, जोटेक का लेते हैं, अदर ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। ये ईगल वाला है, तो ईगल वाला गीगाबाइट का देखिए नीचे दो फैन इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि अभी बंद हुए हैं। ये देखिए जब वो चलेंगे तो वो फैन रोटेट करते हैं, और यहाँ पे देखिए हीट वगैरह डिसिपेट करने के लिए ट्यूब्स भी लगी हुई हैं मेटल की। तो ये आपको जो है, अगर इसकी प्राइसिंग की बात करता हूँ तो मैंने ऑफर में खरीदा था 33,000 का मुझे यही पड़ा। अगर अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो देखिए SSD नहीं लगवाया है, सिर्फ SSD लगवाया है। बजट की कमी थी अपने पास, तो 512 GB SSD का ही हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। उतना ज़्यादा बजट नहीं था कि 1 TB के लिए जा सकूं, और फिर SSD मैं लगवा सकता था 1 TB स्टोरेज के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि 3-4 हज़ार का आपका SSD आएगा तो वो कभी भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ अपने आप ही, तो अभी यही करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो रैम लगी हुई है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कॉर्सेयर की रैम है, और ये देखिए 8 GB की सिंगल स्टिक, नहीं सॉरी ये 16 GB की सिंगल स्टिक है। 8 GB की वो दो लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि मुझे अपग्रेड करना है, मान लीजिए 32 GB में करना है, तो बोले सर कि आप इसको बाद में भी चेंज करा सकते हैं। 16 GB लगाने का यही रीज़न है कि बाद में मैं इन फ्यूचर अपग्रेड कर पाऊँ। तो किस बारे में मैंने आपको बताया, रैम के बारे में बता दिया है, स्टोरेज के बारे में बता दिया आपका, और विंडोज़ की बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जो पावर सप्लाई यूनिट PSU लगाया गया है कूलर मास्टर की तरफ से, MWE550 ब्रोंज जो है 230 वोल्ट लिखा गया है यहाँ पे, तो ये हमने लगवाया हुआ है। 550 के अलावा 650 का भी ऑप्शन था, तो वो भी लगवा सकते थे, बट इतना हमारे लिए सफिशियंट है, दोनों हैंडल कर लेगा, तो फालतू बजट अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये सेटिंग्स में चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो सिस्टम है हमारा ये, और अबाउट में चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये, तो ये देखिए डेस्कटॉप डिवाइस नेम है, 12th Gen i5 12400F हो गया, 16 GB की रैम है, और 64 GB ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है ये, 11 प्रो है यहाँ पे देखिए, विंडोज 11 प्रो। हाँ, तो बात करते हैं अब टोटल प्राइसिंग की। तो इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, टोटल प्राइसिंग आप गेस कर ही लिए होंगे अगर आपको थोड़ा भी जानकारी है PC के बारे में, क्योंकि शुरू में मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बताया है आप लोगों से। Amazon वगैरह पर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं, सबके बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जो जो अवेलेबल है Amazon के ऊपर, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि कितना प्राइस है, क्या है, कैसा है। और क्लोज टू आप ये समझ लीजिए कि आपका 13 प्रो जो है उसके आसपास ऑफर्स मिलेंगे, तब एकदम एग्जैक्ट उससे थोड़ा सा कम, मतलब उसी के आसपास आपको मिलने वाला है ये PC बिल्ड। डिपेंड करता है, आप इसमें कुछ और भी बढ़वा लेंगे तो एग्जैक्ट उतना ही हो जाएगा, बाकी एज सच उतना ही आप समझिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।